हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। ओके, सो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू की। और हिस्ट्री ऑफ जम्मू को आज हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में पढ़ेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, रूलर्स हैं, वो आज पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इसको जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई भी मतलब बोर फील ना हो इसे पढ़ने में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। और इंट्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्चुअली जम्मू की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री किस आधार पे हम लोग पढ़ते हैं, वो कहाँ से लिया गया, बेसिकली उसका सोर्स कहाँ से है। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है एंशियंट टाइम पे, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसको पढ़ के हम लोग जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो जम्मू ऑफ हिस्ट्री जो है वो कहाँ से ली, कहाँ से पता लगा, तो उसके बारे में सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे। तो एक्चुअली एक एंशियंट बुक है, यू कैन से उसका नाम है राजदर्शनी। ये एक एंशियंट ट्रेडिशन एक बुक है जिसमें एक्चुअली जम्मू की हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी, जम्मू राज्य की जो बिगनिंग थी, मतलब जम्मू टाउन की जो बिगनिंग थी, एक्चुअली स्टार्ट हुई थी जब अग्निगीर एक्चुअली जंगर सन थे किंग सुदर्शना के। उस किंग जो सुदर्शन जो थे वो 20th मतलब वंश के थे राजा राम के, हम जो राम भगवान थे अयोध्या के, उनके 20वीं पीढ़ी के जो मतलब वंश था, जो लड़का था, किंग था जो सुदर्शन, उनके जंगर बेटे जो थे अग्निवीर, एक्चुअली वो माइग्रेट हुए थे अयोध्या से और वो पहुंचे थे रिवर ऑफ रावी जो प्रेजेंट डे कठुआ में है। ठीक है, वहाँ से माइग्रेट हुए तो यहाँ रावी नदी के बैंक पर पहुँचे, और फिर उन्होंने वहाँ के जो लोग थे, सराउंडिंग लोगों को उन्होंने सब्जुगेट किया, अपने वश में किया, और फाइनली वहाँ पर उन्होंने रूल करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। ओके, और वो जो उस टाइम पे जो टाउन्स थे वो थे एक पुष्पावती एंड अरिवा। ओके, और मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने 550 ईयर्स तक वहाँ पे रूल किया। और उनके बाद मतलब अग्निगिर के बाद उनके जो बेटे थे वो शासन काल में आए, जिनका नाम था वायुश्रवा, और उन्होंने इसका जो मतलब जो रूल था वो उच्च तक एक्सपेंड किया। ओके, सो फिर उसके बाद इनकी जो लाइन मतलब इनके जो सक्सेसर रहे हैं वो आते हैं आपके परमित्रा, पूरन सिंह, लाखन, खट जोशन और लास्ट में अग्निगर। ओके, तो ये थे कुछ उनके सक्सेसर। तो फाइनली इसमें इस पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखने वाली है वो ये है कि इसका सोर्स जो है वो कहाँ से लिया गया, कौन सी बुक है, वो राजदर्शनी आ गई, स्टार्ट कहाँ से हुआ, अग्निगिर से हुआ, और इनके जो लास्ट मतलब सक्सेसर थे वो कौन थे, अग्निगर। ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस पैराग्राफ में याद रखनी है। देखिए, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताता जाऊँगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ताकि आपको इंटरेस्ट भी बना रहे और प्रॉब्लम भी ना हो। ओके, तो नेक्स्ट जो आपने देखा कि लास्ट वाले जो थे अग्निगर, एक्चुअली वो बहुत एम्बिशियस थे और उनके 18 सन्स मतलब 18 बेटे थे, और अपने 18 बेटों की हेल्प से उन्होंने अपने जो रूल था उसको काफ़ी अच्छा एक्सपेंड किया। ठीक है, जिनमें से उनके जो बड़े बेटे थे बहुलोचन, इनकी डेथ के बाद, अग्निगर की डेथ के बाद उनके जो बड़े बेटे बहुलोचन, उन्होंने सक्सीड किया और उन्होंने न्यू टाउन की फाउंडेशन की जिसका नाम था धरण नगरी, और फाइनली उन्होंने अरिवा से अपनी जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफ़र किया धरण नगरी में। ओके, सो उसके बाद उन्होंने बहु फोर्ट जो आपको पता है उन्होंने उसको बिल्ड किया, और ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी। एक्चुअली ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो बहु फोर्ट है वो कहाँ पर बिल्ट है, मतलब किस बैंक पर बिल्ट है, तो ये अक्सर बोल जाते हैं। एक्चुअली ये लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर जो तवी रिवर है उसके वहाँ पे इसको बिल्ड किया गया। और देन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बहुलोचन ने इन्होंने ट्राई किया अपने अम्पायर को एक्सपैंड करना टुवर्ड मदर देश, जो कि आज के टाइम पे मॉडर्न पंजाब जिसे कहा जाता है। तो फाइनली हुआ क्या, जब इन्होंने बहुलोचन ने अटैक किया मॉडर्न पंजाब पे, तो वहाँ के राजा ने इनको हरा दिया और फाइनली इनकी इनको मार दिया गया। ओके, सो उसके बाद इनके जो जंगर ब्रदर थे जम्बू लोचन, उन्होंने लीडरशिप मतलब जो रूलशिप कमांड संभाली, गद्दी पे बैठे, और फाइनली इन्होंने चंद्रहास को डिफीट किया जो कि उस टाइम पे सियालकोट के किंग थे, और फाइनली
जो उनकी जो टेरिटरीज थी उनको उन पे कब्जा कर लिया, और फाइनली मतलब अपना जो शासन था वो सिंध तक उन्होंने अपना अंपायर को एक्सपेंड किया। तो धीरे धीरे वो एक बहुत ही पावरफुल रूलर बन गया अपने रीजन के। तो एक्चुअली एक कहते हैं कि एक बार वो हंटिंग पे गए हुए थे, शिकार पे गए हुए थे, मतलब अक्रॉस रिवर तभी, और वहाँ पे उन्होंने एक्चुअली एक अमेजिंग चीज़ देखी कि एक टाइगर और एक गोट दोनों सेम पाउंड में पानी पी रहे थे। तो उनको उन्होंने उसके बाद उनके दिमाग में ख्याल आया कि ये जगह जो है मे बी ये बहुत ही ज़्यादा यू नो वर्चू है, गुणवान है, शक्तिशाली, यहाँ पर ऐसे दो जो आपस में मतलब इतने कट्टर दुश्मन है वो दोनों मिलकर साथ पानी पी रहे हैं। तो फाइनली उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने एक टाउन जो था उसको फाउंड किया और जिसका नाम रखा गया जम्बूपुरा, और लेटर ऑन वो जम्बू जम्बू और उसके बाद लास्ट आज के टाइम पे जम्मू जो आप देख रहे हो ये उन्होंने क्रिएट, जम्बू लोचन ने ये टाउन को क्रिएट किया हुआ। ओके, तो जम्बू लोचन जो थे फाइनली 1500 BC के टाइम पीरियड तक रहे, उसके बाद उनको उनके पूरन चंद जो थे उन्होंने सक्सीड किया, मतलब इनकी डेथ के बाद पूरन चंद जी आए और उन्होंने जो कैपिटल थी वो बाहू से शिफ्ट करके जम्मू कर दी। इनके बाद जो इनके सक्सेसर थे वो थे धर्मकरण, उसके बाद किरपकरण, अग्निकरण। ओके, सो इसके बाद बात आती है शक्तिकरण की। एक्चुअली डोगरी स्क्रिप्ट को जिन्होंने इन्वेंट किया है वो है शक्तिकरण। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया भी हुआ है, वो बहुत ही वेल वर्स्ड है स्क्रिप्चर्स में। ओके, तो फाइनली उन्होंने अपना जो रूल जो अंपायर था वो बनिहाल एरिया तक उन्होंने एक्सपेंड किया। उसके बाद शिव प्रकाश जी जो कि लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, फाइनली राजा श्याल, मतलब पहले रूल जो थे भी सियालकोट के उनको हरा दिया, फिर बाद में मे बी उनका कोई किंग हुआ होगा राजा श्याल सियालकोट के, इन्होंने क्या किया शिव प्रकाश को हरा दिया और फिर आके जम्मू में कब्जा कर लिया। ओके, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाली वो ये है कि डोगरी को इन्वेंट किसने किया, वो थे आपके शक्तिकरण। ओके, और देन उसके बाद जो बहुफोर्ट है वो कौन से बैंक पे है ये हो गया, और उसके बाद जम्बू लोचन को इन्होंने सक्सीड किया वो थे आपके पूरनकरण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट आता है राजा श्याल जो थे जिन्होंने उनको हराया, जो लास्ट रूलर थे डायनेस्टी को उनको हरा के बाद में जम्मू में कब्जा कर दिया। एक्चुअली वो मैटरनल अंकल थे पांडवाज के, और उनकी जो डेथ हुई थी वो महाभारत वार में हुई थी। और उसके बाद जम्मू जो था वो बबरू बहान जो कि अर्जुन के सन थे उनके उनके कब्जे में आ गया, मतलब उस टाइम पे वो फिर राजा थे। एक्चुअली उनके शासनकाल में जम्मू था बहुत ही मतलब डिसोलेट हो गया, एक ट्राइबल एरिया की तरह बन गया, मतलब बुरी हालत हो गई। ठीक है, और उसके बाद ज्योति प्रकाश और सर प्रकाश इन्होंने क्या किया जम्मू को फिर से जीत लिया। एक्चुअली ज्योति प्रकाश और सर प्रकाश जो थे वो लोकल डिसेंडेंट थे किसके, शक्तिकरण के, मतलब इनके वंश के थे। बट एक्चुअली हुआ क्या कि उनके उन्होंने 6 सेंचुरी BC तक उन्होंने रूल किया, और फाइनली उनका जो लास्ट किंग था वो थे बालीकरण। ओके, सो ये पोर्शन जो है ये आता है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट में, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको पॉइंट आउट कर दी। अब बात करेंगे हम डायनेस्टीज की। ओके, सो फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो 500 BC से लेकर 143 BC, और इस डायनेस्टी में सबसे पहले जो किंग की बात करेंगे वो है राजा बोध अर्जुन। और एक्चुअली इनके बारे में बात करें तो ये बहुत ही ग्रेट कंक्वर थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने एक्चुअली अपने सराउंडिंग में जितने ने भी चीफ से मतलब राजा थे उनको इन्होंने हरा दिया, और उसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड रूलर थे अपनी प्रजा के लिए। और इन्हीं के शासनकाल में जम्मू ने अपनी ग्लोरी को रिगेन किया, मतलब जो कि बबरू बहान के टाइम पे जो मतलब हमारा जम्मू जो था उसकी बुरी हालत हो गई थी, वो डेसोलेट हो गया था, इनके शासन काल में वो ग्लोरी इन्होंने फिर से रिगेन की, और मतलब एट लास्ट इन्होंने 80 ईयर्स तक रूल किया। उसके बाद राजा बोध अर्जुन की जो डायनेस्टी थी दैट दे रूल्ड अप टू 357 ईयर्स, और मतलब लेटर वाले जो किंग थे उसके बाद जो किंग आए वो इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं थे यू कैन से, एंड दे आर नॉट सो मच इफेक्टिव, सो दैट कि वहाँ की जो मतलब जो शासन काल था वहाँ के जो पूरे के पूरे
डायनेस्टी में उस तरह की उथल पुथल मच गई, मतलब वो जो पीस रहता है ना वो नहीं रहा। और उसके बाद क्या हुआ, राजा मंगलचंद जो थे कांगड़ा के, नगर कोटा के, उन्होंने जम्मू को ऑक्यूपाइड कर लिया राज बल्लभ को मारने के बाद। और राज बल्लभ कौन थे एक्चुअली, ये सेवंथ डिसेंडेंट थे बोध अर्जुन के। ओके, सो उसके बाद बात करेंगे हम बानु जग की, जो कि बराक, बानु जग का बराक, उन्होंने क्या किया, मंगलचंद को मार दिया और इन्होंने एंड ट्राई टू रिस्टोर ऑर्डर बट फेल। और उसके बाद इन्होंने जो भी उस टाइम पे जो ऑर्डर था, मतलब जम्मू में उस टाइम पे इन्होंने कोशिश की उसको चेंज करने की, लेकिन चेंज नहीं कर पाए। उसके बाद मतलब पूरे का पूरा जो टाउन था वो बेरान हो गया उस टाइम पे, पूरी की पूरी मतलब जितने भी चीज़ें थी उस टाइम पे वो सारी की सारी उथल पुथल हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पंजाब के जो चीफ्स थे उन्होंने रेड करना शुरू कर दिया जम्मू में, जिस वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पे लाइफ जो थी वो बहुत अनसर्टेन हो गई और लोगों ने जंगलों की तरफ भागना शुरू कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे राजा भूमदत्त की और उनके सिक्स डिसेंडेंट, जिन्होंने जो मतलब जिन्होंने राज किया लेकिन पीस को रिस्टोर नहीं कर पाए। ओके, और फाइनली क्या हुआ कि जम्मू जो था वो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ में डिवाइड हो गया, रिड्यूस हो गया, और फाइनली उन छोटे छोटे प्रिंसिपल्स पे राणाज का शासन जो था वो स्टार्ट हो गया। एंड द सोवरेनिटी पास ऑन सियालकोट, और जो भी सुप्रीम पावर थी, सोवरेनिटी थी उस टाइम पे, वो सियालकोट के जो राजा थे उनकी तरफ ट्रांसफर हो गई। नेक्स्ट ये इन्होंने बताया कि एक लॉन्ग टर्म जो लाइन रही है दामोदर दत्त से लेकिन नंद गुप्ता तक उन्होंने जम्मू में राज किया। ठीक है, अब एट टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन इन 326 BC, दामोदर दत्त के जो सेवंथ डिसेंडेंट थे राजा अजय सिंह, उन्होंने रूल किया जम्मू में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मतलब यहाँ से बनेगा कि जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया तो उस टाइम पे जम्मू में कौन किंग था। उस टाइम पे जम्मू में जो किंग थे वो थे राजा अजय सिंह। ओके, राजा अजय सिंह बेसिकली ये पुरुष के सन इन लॉ थे, और उसके बाद एक्चुअली इनकी डेथ हो गई थी क्योंकि ये फाइट कर रहे थे फॉर पुरु अगेन अलेक्जेंडर, तो इनकी डेथ हो गई। और अजय सिंह के बाद इनके जो बेटे थे विजय सिंह वो गद्दी पे आए, और उन्होंने अपना जो रू मतलब एम्पायर था वो एक्सपेंड किया जेलम तक इन पंजाब। और हिज डिसेंडेंट और इन्हीं के जो डिसेंडेंट थे राम गुप्ता, इन्होंने रामगढ़ फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया और रामगढ़िया राजपूत क्लैन को इन्होंने स्टार्ट किया। ओके, सो फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी के बाद हम बात करेंगे अब राय डायनेस्टी की। तो अबाउट 50 BC में जो राय डायनेस्टी थी, अब सियालकोट, इन्होंने जम्मू पे कब्जा कर लिया, और अधी राय इंडिपेंडेंट जो रूलर थे उस टाइम पे जम्मू के, इनका जो शासन काल रहा वो था 58 BC से लेके 10 BC तक। सो अब हम बात करेंगे राय डायनेस्टी के रूलर्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम देवराय की। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 10 BC से लेके 40 BC तक। और एक्चुअली एंड्रे जो कि 12th डिसाइपल थे क्रिस्ट के, वो इनके कोर्ट में आए थे एंड इनके बेटे की जो डिजीज थी उनको क्योर किया था। ओके, सो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एंड्रे एंड्रे जो शख्स थे और वो किन के दरबार में आए थे, जो थे देवराय। इनके बाद गंधर्व राय थे, इनका जो शासन काल रहा वो था 40 AD से लेके 75 AD तक इनका रूल रहा। कदम राय हो गया, देन उसके बाद करम राय, इनका 124 AD से लेकर 204 AD तक रहा। एक्चुअली इन्होंने अपने न्यू बॉर्न डॉटर को जिंदा जो था वो दफना दिया था, और इन्होंने ही एक ट्रेडिशन को स्टार्ट किया था हिल राजपूत में। उसके बाद खीर राय, और इनका शासन काल 204 AD से लेकर 229। और फाइन नेक्स्ट जो है वो है खकर राय, देन उसके बाद सिंध राय। एक्चुअली इनकी जो जो डेट्स हैं इट्स नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, एंड आई डोंट थिंक यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपको। ये जो करम राय है मतलब इन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने अपनी बेटी को दफना दिया था, उसके बाद देव राय जो हैं इनके कोर्ट में इनके इनके शासन काल में जो एंड्रे थे वो आए थे। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद सिंध राय जो थे इन्होंने सब्ड्यू किया था सभी राणास को। उसके बाद जगत राय, नॉट इम्पोर्टेंट छोड़ो इसको। उसके बाद दूध राय, ये भी इनको भी छोड़ो।
देन लास्ट में आता आपका योग राय. एक्चुअली इनके दो बेटे थे, एक थे मलहान हंस और एक थे सुरेश धार. मलहान हंस जो थे वो सियालकोट की तरफ मूव कर गए और एंड एंड फॉर्म द मनहास ट्राइब ऑफ राजपूत. इन्होंने मनहास ट्राइब ऑफ राजपूत को इन्होंने फॉर्म किया वहाँ पे. एंड बाकी जो इनका जंगर सन जो थे इनके सूरज दार, वो रूलर बन गए जम्मू के. ओके, सो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम दार डायनेस्टी की. तो दार डायनेस्टी जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो 430 AD से लेके 840 AD तक. ओके, तो सूरज दार का जो टाइम पीरियड रहा वो 430 AD से लेके 485 AD तक. देन उसके बाद गंगाधर आ गए और इनका जो था 495 AD से लेकर 550 AD तक. और हिज ब्रदर सोजला दार स्टार्टेड द चार क्लैन, मतलब चार वंश की जो स्टार्टअप था वो उनके ब्रदर जोजला दार ने स्टार्ट किया था. ओके, नेक्स्ट जो था वो था दिवाला दार. इनका टाइम पीरियड छोड़ो इसको. नेक्स्ट आता है सर्बिया दार. सर्बिया दार की जो टाइम पीरियड था वो था 590 AD से लेकर 650 AD तक. और इनके शासनकाल में पीर रोशन शाह वली, जो एक मुस्लिम सेंट थे, अरब से आए थे और फाइनली सेटल हुए घुमट में. और राजा ने उनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पे रखा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम्स में कि पीर रोशन शाह वली कहाँ सेटल हुए और दूसरा ये किन के शासनकाल में आए. तो सर्वियादार और इनका अगर इनके बारे में पूछा जा रहा तो ऑब्वियसली इनकी डेट भी आपको याद करनी है. ओके, नेक्स्ट जो है वो है किरतदार. इनका जो टाइम पीरियड है 650 AD से लेके 700, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट. उसके बाद अजयदार के बाद विजयदार आ गया आपका. फिर विजयदार का जो टाइम पीरियड था वो था 785 AD से लेके 840 AD तक. एंड ही कुड नॉट होल्ड आउट अगेन कॉन्स्टेंट अटैक एंड फ्लीड टू गार बदोर वेयर ही वॉज इन डाइड इन 580 AD. मतलब एक्चुअली क्या था, ये जो कांस्टेंट अटैक्स उस टाइम पे नहीं जो हो रहे थे उसको होल्ड नहीं कर पाए और फाइनली ही गॉन एंड इन 1850 AD में, राइट?